हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनू सर गवर्नमेंट जॉब्स एंड ब्लॉग्स। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। एक बार फटाक से मैं आप लोगों को यहाँ पे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स जो है पहला शिफ्ट हमारा ओवर हो चुका है और उसका रिव्यू जो है एक बार फटाक से मैं आप लोगों को यहाँ पे दे देता हूँ। अगर यहाँ पे रिव्यू की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रीजनिंग सब्जेक्ट की। जो रीजनिंग में आपका पेपर आया है वो कहीं ना कहीं ईजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर रहा है, है ना। एक आपके पजल पूछे गए हैं, फ्लैट और फ्लोर के ऊपर पजल पूछे गए। दूसरा जो है वो आपका जो है वो लीनियर अरेंजमेंट के ऊपर पजल पूछा गया है। उसके बाद ब्लड रिलेशन के ऊपर आपका 3 सवाल थे। उसके बाद डायरेक्शन के ऊपर आपके 3 सवाल पूछे गए हैं। 3 सवाल आपके सिलोलिज्म के ऊपर थे और फिर आपके यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ के भी कुछ सवाल जो है वो देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो वर्ड फॉर्मेशन वाला सवाल आता है, यानी कि हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स वाले सवाल जो आते हैं वो आपके पूछे गए हैं। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से भी आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला है। तो ये बात हो गई रीजनिंग की। अगर हम बात करें यहाँ पे मैथ के पेपर की, मैथ में आपके करीबन 10 से 12 जो क्वेश्चन थे वो आपके जो थे वो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर थे, ठीक है। उसके बाद करीबन 5 सवाल जो थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर थे। एक DI पूछा गया जो कि आपका टेबल फॉर्मेट में DI पूछा गया है। उसके बाद जो है अरिथमेटिक के सवाल जितने भी हमारे बनते हैं वो उसके बाद सारे सवाल अरिथमेटिक के थे। और अगर हम मैथ पेपर की बात करें तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैलकुलेटिव हम कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका एक RC पूछा गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें कि करीबन आपके 7 से 8 सवाल जो थे वो आपके उसमें पूछे गए हैं, जिसमें कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी पूछा गया है। उसके बाद आपके वर्ड और फ्रेज रिप्लेसमेंट के ऊपर जो है वो करीबन 5 से 6 सवाल पूछे गए। उसके बाद क्लोज टेस्ट था आपका, एक पैराग्राफ दिया हुआ था जिसमें कि आपको एक ब्लैंक दिया हुआ था, पूरा एक पैराग्राफ था उसमें ब्लैंक दिया हुआ था, उसमें आपको भरना था। वह एक ओवरऑल एनालिसिस जो है वो पेपर का रहा है। पेपर इजी टू मॉडरेट है, थोड़े से कुछ पोर्शंस जो है वो मॉडरेट लेवल के रह रहे हैं, लेकिन अगर आप सही से अटेम्प्ट करेंगे तो आपका अराउंड 70 के आसपास 70-75 आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा, आराम से पेपर दे सभी लोग। तो ये रहा हमारा पूरा शिफ्ट 1 का एनालिसिस, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि बाकी के शिफ्ट के भी एनालिसिस जो है आप लोगों को मैं एक बार दे दूँ। देख सकते हैं सारे स्टूडेंट जो है वो शिफ्ट ओवर हो चुका है, सारे स्टूडेंट यहाँ पे निकल रहे हैं अब, और नेक्स्ट जो है हमारा शिफ्ट 2 के लिए जो है वो चीज़ें तैयार हो रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।